अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली है। हम पढ़ रहे हैं मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर दिया था जो था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो था मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या है, उसके टाइप्स के इतने हैं, उसको हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह शो करते हैं, वो किया था। आज हम उन पर करेंगे सर्टेन प्रॉब्लम कि हम मैट्रिक्स की एडिशन किस तरह करते हैं, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम मैट्रिक्स की आपस में एडिशन किस तरह करते हैं। इसमें ये है कि आपको एक चीज हमें चाहिए नोट है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप एडिशन करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के आर्डर सेम होने चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगी। लिख लेते हैं 2 8 मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हमें मैट्रिसेस को ऐड करना है तो मैट्रिसेस हमारे पास सेम ऑर्डर के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पास 2 by 2 का है, तो बी मैट्रिक्स भी हमारे पास 2 by 2 का होना चाहिए, तभी ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एडिशन में हमारे पास मस्ट है कि हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चले अब हम उसको करके देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 by 2 का लेते हैं 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स लेते हैं 5 6 7, ये दो मैट्रिक्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन में ए प्लस बी करना है। तो किस तरह होगा, ये सेम पोजीशन सेम वाले पे। अब देखें, ये इस पोजीशन पे ए 1 गिवन है, तो इस पोजीशन में क्या गिवन है 5, तो मीन पोजीशन टू पोजीशन सेम पोजीशन वाले आपस में ऐड होंगे 1 प्लस 5। अगेन ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है 6, मीन्स 2 8 होगा 6 से। अब यहाँ पे देख सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, 8 होगा। बी में देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 7, और यहाँ पे 4 प्लस 8, तो ये होगी एडिशन। मीन्स सेम पोजीशन पे एलिमेंट होंगे, उनको ही हम ऐड करेंगे। जहाँ पे ये देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 8, और ये हो गया 10, ये हो गया 12। तो ये है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस की आपस में एडिशन किस तरह होती हैं। अब अगर हमें ले लूँ कोई और मैट्रिक्स लेते हैं हम 3 by 3 का, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स ए है। बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो भी 3 by 3 का, क्योंकि मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगी जब हमारे पास आर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पर होगा 2 4 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं 3 by 3 के आर्डर के हैं। अब अगर मुझे इनकी एडिशन चाहिए तो किस तरह होगी, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को आपस में एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैट्रिक्स ए, और बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 4 8 7 8 9 10 11 12, ये बी मैट्रिक्स है। क्लियर, अब इनको ऐड करना है हमने, तो ये होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, किस तरह होगा, सेम पोजीशन वाली, ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ पे 3, यहाँ पर 8 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8, हो गया। अब सेकंड, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 7, तो मीन 4 प्लस 7, यहाँ 5, यहाँ पर 8, 5 प्लस 8, ये 6, ये 9, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9, ये 7 प्लस 10, ये 8 प्लस 11, प्लस 9 और प्लस 12, तो ये 9 प्लस 12 हो। अगेन ए प्लस बी निकालेंगे तो इन सब की क्या हो जाएगी एडिशन, 1 प्लस 2 3 4 प्लस 2 6, ये हो गया 11, ये हो गया 11, ये होगा आपके पास 13, ये होगा 15, ये होगा
17, ये भी होगा आपके पास 19 और ये हो जाएगा 21। तो ये था आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स को किस तरह ऐड करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स को किस तरह हमने एडिशन कर ली। अब हम करेंगे मैट्रिक्स की सबट्रैक्शन। तो लिखेंगे टू सबट्रैक्ट मैट्रिक्स या मैट्रिसेस दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। अगेन सेम डेफिनेशन, हम जब भी ऐड कर रहे तो भी हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए थे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास ऑर्डर क्या होने चाहिए, मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है 4, 6, 8, 10, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4, 6, 8। क्लियर, ये है हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर। ये भी 2x2 का ऑर्डर है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो ये ऐड भी हो सकते हैं आपस में, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। तो हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट मीन्स ए माइनस बी करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेना है, क्या है 4, 6, 8, 10, माइनस करना है 2, 4, 6, 8। अब माइनस किस तरह, सेम पोजीशन वाले, जिस पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है दोनों में वही पोजीशन वाले मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि ए माइनस बी होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। सेम पोजीशन वाले आपस में माइनस होंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है 4, तो 6 माइनस 4। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6, तो 8 माइनस 6। यहाँ 10 और यहाँ 8, तो 10 माइनस 8। अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2। तो ये हो गए हमारे पास मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन। ये था 2x2 का। अब अगर हम 3x3 का ले लें तो ले लेता हूँ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, डी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये है, ये दो मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास। अब इन दोनों की हमें क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो किस तरह होगी, सपोज करें हम लिखते हैं सी माइनस डी। तो सबसे पहले सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये हो गई। माइनस करना है डी का मैट्रिक्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये हो गए। सी माइनस डी चाहिए तो सबसे पहले हमें सेम पोजीशन वाला आपस में माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 6 माइनस 5, 8 माइनस 7, 10 माइनस 9, 12 माइनस 11, 14 माइनस 13, 16 माइनस 15, 18 माइनस 17 ये हो गए। अब C माइनस D क्या होगा, सेम सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1, 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
मैट्रिक्स ले लिया उसकी सब्ट्रैक्शन, 2x2 की भी सब्ट्रैक्शन होगी सेम। अगर आर्डर सेम होगा तभी इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है। अगर डिफरेंट आर्डर्स के होंगे तो ये इनकी ना तो एडिशन होगी ना ही सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए मस्ट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर किस तरह की करते हैं।